अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हमारे फर्स्ट ईयर चैप्टर वन उसकी दूसरी क्लास है, ठीक है जी। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहले दो पेज इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस पढ़ी थी। आज दूसरा लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। बायो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री की टर्म है जिसमें एटम आपस में जुड़ते हैं, बायो एलिमेंट्स, ठीक है जी। बल्कि बायो मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स हैं। मॉलिक्यूल गलती से मुझसे लिखा गया, बायो एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी केमिस्ट्री की टर्म है जिसमें मुराद के सिंपलेस्ट या प्योर फॉर्म, ठीक है जी, ऑफ अ मैटर, मैटर की सबसे प्योर फॉर्म जो होती है वो आप एलिमेंट कहते हैं। तो इसी तरह वो सारी प्योर फॉर्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार में मौजूद होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। ये बात सिर्फ समझाने के लिए थी, हमारे अंदर प्योर फॉर्म में नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मौजूद होती है, वो हमने मॉलिक्यूल्स में पढ़ लिया। अच्छा, अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि जिंदा जानवर में, लिविंग थिंग में कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी बायो एलिमेंट से। तो जिस तरह के हम लोग पहले से जानते हैं कि देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स आर नाउन, ठीक है जी। अभी तक 118 एलिमेंट्स हमें पता है, पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते रहते हैं उसकी बात हो रही। बट आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट देयर आर 26 आर सिंथेटिक, ठीक है जी। 26 एलिमेंट आर सिंथेटिक, यानी कि 26 एलिमेंट जो है वो कुदरती तौर पे नहीं पाए जाते बल्कि लेबोरेटरी में हमने खुद बनाए हैं, ये कुदरतन मौजूद नहीं है, ये सिंथेटिक है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे ये मिलते भी हैं, डिफरेंट पीरियोडिक टेबल में जो आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक होती है उसमें आई थिंक पर्पल कलर से इन्हें शो किया जाता है। देन आउट ऑफ 118 एलिमेंट देयर आर 92 एलिमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज नेचुरल एलिमेंट। 92 नेचुरल एलिमेंट, 92 एलिमेंट, ठीक है, ऐसे हैं जो नेचुरली आपको मिलते हैं, कुदरती तौर पे आपको एनवायरनमेंट में मिलेंगे। इन 92 एलिमेंट्स को फर्दर हमने डिवाइड किया है, ठीक है जी। दीस 92 एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, 76 एंड 16। दीस 76 एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन बायो एलिमेंट, ठीक है जी। उन 92 में से जो 76 एलिमेंट है ये नॉन बायो एलिमेंट है, क्यों, ये जिंदा जानवर में आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जो 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट व्हिच इज आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग, ठीक है, 16 एलिमेंट जो जिंदा जानवर में मौजूद है उन्हें आप लोग कहते हो बायो एलिमेंट, ठीक है जी। बायो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है तो वो हम लोग पढ़ते हैं। सो बायो एलिमेंट की डेफिनेशन ये, ठीक है, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग इज कॉल्ड बीएम, मींस बायो एलिमेंट। वो एलिमेंट जो तकरीबन हर जानदार में आपको मिलेंगे उन्हें आप बायो एलिमेंट्स कहते हो, ठीक है जी। 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि 92 एलिमेंट में से सिर्फ 16 ऐसे हैं जो किसी भी जानदार की बॉडी में आपको मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो बायो एलिमेंट्स हैं इनकी फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ मेजर एंड माइनर। अब यहां पे मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स से मुराद क्या है, तो ये मुराद है कि कितने एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ज्यादा मिलते हैं या हमारी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, ठीक है जी। और माइनर एलिमेंट कौन से हैं जो हमारी बॉडी के कितने फीसद हिस्से में या सबसे कम पाए जाते हैं। तो इस लिहाज से, ठीक है जी, बायो एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टू एलिमेंट टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉल्ड मेजर एलिमेंट बिकॉज इट फॉर्म 99% ऑफ अवर बॉडी मास, ये हमारी बॉडी मास का 99% बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मेजर बायो एलिमेंट। एंड द सेकंड कैटेगरी बिकॉज इट मेक ओनली 1% ऑफ अवर बॉडी मास, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज माइनर, क्योंकि ये हमारी बॉडी का क्या कहते हैं, सिर्फ 1% बनाते हैं, इसलिए इन्हें माइनर कहा जाता है। अब 9th 10th आप पढ़ के आए तो आपको याद होगा वहां पे आपने क्लासिफिकेशन और सॉरी परसेंटेज पढ़ी थी, उसे याद भी किया था, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ मेजर की पढ़ी थी। यहां पे आपको मेजर की तो याद रखनी है, माइनर की भी साथ रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एम कैट के लिए। इसके अलावा भी
एंटी टेस्ट एमकेआर की बात की जा रही है, ज्यादा से बात है आपने फर्स्ट ईयर आए हैं तो बायोलॉजी रखी है इसी स्कोप पे कि एमकेआर देना है और फिर एंटी। अच्छा जी, तो माइनर की भी याद रखनी है और मेजर की भी। इसके अलावा आपका जो बोर्ड के एमसीक्यूज है उसमें भी यहाँ से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेजर एलिमेंट जो के कितने हैं जी, आप लोगों को पता है 16 में से 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप लोग सॉरी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप लोग मेजर कहते हैं और 10 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें आप लोग माइनर कहते हैं। ठीक है जी, आउट ऑफ 16 6 आर कॉल्ड मेजर एंड 10 आर कॉल्ड माइनर। कौन कौन से हैं? एक आसान सा तरीका 9th में मैं भी आपको याद करवाएगा और ये बताएगा ओके 6 एलिमेंट को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, ओखन कैप। ठीक है जी, ओखन कैप, इस लिहाज से भी आप लोग मेजर एलिमेंट को याद रख सकते हैं। अब इनकी परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है जी, तो ऑक्सीजन 65% होता है, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, विच मेक अप टोटल 99%। ठीक है, नाउ मूव टू माइनर। माइनर के अंदर हमारे पास है कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज एंड आयोडीन। ठीक है जी, दीज आर 10 एलिमेंट्स व्हिच आर नोन एज माइनर एलिमेंट्स। अब किस तरह भी हम लोग इनकी भी परसेंटेज याद रख सकते हैं, तो आपने सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम इस तरह याद रखनी है जिस तरह यहां पे हमने किया। क्या किया जी, जो पोटेशियम होता है ठीक है, ये 0.35%, ठीक है, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15% और जितना सोडियम है उतना ही क्लोरीन है, सो 0.15%। ठीक है, देन हम मैग्नीशियम की बात करते हैं 0.04% भी कुछ बुक्स में है, 0.05% भी कुछ बुक्स में। ठीक है, तो दोनों वैल्यू है। आयरन की बात करते हैं तो 0.01% ये पाया जाता है। अब यहां पे आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन बताते चले जो सेकंड ईयर के चैप्टर में भी है, आई थिंक 27 या 26 राउंड अबाउट में होगा और आप में भी है। आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर ट्रेस एलिमेंट। ठीक है जी, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ट्रेस एलिमेंट। ठीक है जी, तो आपकी बुक में एक टेबल है, उस टेबल के बिल्कुल लास्ट पे आपको चार एलिमेंट नजर आएंगे जो इस तरह लिखे गए हैं, कॉपर, जिंक, आयोडीन एंड मैग्नीज। ये चार एलिमेंट 0.00 से भी कम मिकदार में यानी कि तकरीबन ना होने के लिहाज से हमें मिलते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर ट्रेस एलिमेंट दे रहा था, एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट बिलो देन 0.00% आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल फॉर्म, दैट इज नोन एज ट्रेस एलिमेंट व्हिच इज टोटल इन 4। अब हम लोग आगे चलते हैं जी, यहां तक आपका बायो मॉलिक्यूल्स का जो पॉइंट है या जो हमारा टॉपिक था वो कवर अप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अगर अपनी बुक्स पे देखें तो वहां पे मौजूद होगा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, यानी कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या जी, आप जानदारों को सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे और डिफरेंट लेवल पे जाके स्टडी करना है। जैसा कि सबसे नीचे मौजूद है जी एटम, सब एटॉमिक लेवल, देन उसके बाद ऊपर आता है मॉलिक्यूलर लेवल, देन ऑर्गेनिक सेल लेवल, टिश्यू लेवल, उसके बाद ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, देन इंडिविजुअल लेवल, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी और एट द एंड बायोस्फीयर। ठीक है जी, ये लेवल्स हैं जिसमें आप अगर चाहो कि जानदार को किसी पॉइंट पे भी स्टडी करना चाहते हो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इंसान के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है तो आप उसे किस लेवल पे स्टडी कर रहे हो जी, आई थिंक 5वां लेवल है जिसे कह रहे हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जैसा कि इंसान के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है जी, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम उसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप चेक करना चाहते हो इंसान में किस किस्म के मॉलिक्यूल है तो आप उसे दूसरे लेवल पे स्टडी करोगे विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है जी, हमारे अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आयनिक बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्डेड, ठीक है जी, बड़े मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल, इसलिए ऐसे आप लोग स्टडी करते हो। तो एक चार्ट आपकी बुक में जो दिए गए उसके मुताबिक आप जानदार को किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेवल में स्टडी कर सकते हो। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल एट डिफरेंट लेवल।
ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो जी, आप जानदार की स्टडी मुख्तलिफ लेवल्स पे आके कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे तीन पढ़ेंगे, ठीक है जी, फर्स्ट थ्री, तो डरने की बात नहीं, छोटे से है, ठीक है। तो सबसे पहला जी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है जी। दुनिया में कोई भी चीज ले लें तो जब भी आप उसको तोड़ना है, आप उसकी क्लासिफिकेशन करो, अच्छा ये इससे मिली है, ये इससे मिलके बनी है, ये इससे मिलके बनी है, एट द एंड आपको एटम ही मिलना है, ठीक है जी। ऑल द मैटर्स, ऑल द लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल नोन एज एटम। सो एटम की तरफ आते हैं, तो जिंदा जानवरों के अंदर एटम, हमारा जिसम एटम से मिलकर बना है, लेकिन किस तरह के एटम्स हैं उनकी बात करते हैं, तो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है जी, ये एटम्स पाए जाते हैं। अब एटम्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो एटम की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। ये एक एलिमेंट, उसका सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा जर्रा है, जिसमें उसी एलिमेंट के सारे करैक्टर हैं। समझ नहीं आई होगी तो समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि जितना भी वाइट बोर्ड है, ठीक है, ये लोहे की शीट है, ठीक है, आयरन शीट है, ठीक है। अब इस शीट का, जो आयरन शीट की हम लोग बात करें, इसके अंदर वो एक छोटा सा एलिमेंट, वो एटम, ठीक है जी, आप उसे सेपरेट करते हो, और ये किसकी बनी थी जी, हमने भी सपोज किया आयरन की, तो जो प्रॉपर्टीज उस आयरन की होंगी इस एटम के अंदर, वही प्रॉपर्टी शो होंगी जो ये शीट शो करती है, ठीक है। तो दोबारा जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये आयरन शीट थी, तो इसका एटम क्या थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट ऑल द डिफरेंट प्रॉपर्टीज नोन एज एटम, ठीक है। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ आते हैं, तो एटम कैन नॉट लिव आइसोलेटेड। एटम क्या होते हैं जी, ये अकेले नहीं रह सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हमने की है, तो जिंदा जानदारों में जो एटम होता है, अब हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर एटम तो देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन इंसान आपको खड़ा हुआ नजर आता है, क्यों, क्योंकि द एटम्स कैन नॉट लिव आइसोलेट, रादर दे कंबाइन थ्रू, हाउ, बाय आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं होते, बल्कि ये आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, और क्या होता है, एक फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर, एक स्टेबल स्ट्रक्चर वो रहता है जिसे हम लोग एटम का नाम, सॉरी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, द कॉम्बिनेशन आइटम्स कंबाइंड बाय आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड इन फॉर्म अ स्टेबल सेल्फ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स नोन एज मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की बात की जाती है, तो डेफिनेशन की क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स की क्या करते हैं जी। अब एक और बात यहां पे जो आपकी बुक में मौजूद है, हमें यह पता चल गया कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हमारी बॉडी में किस तरह के मॉलिक्यूल ज्यादा पाए जाते हैं, तो इस लिहाज से जो मोस्ट कॉमन एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं, फिर वही बात है, ऑक्सीजन की बात हमने याद रखनी, ठीक है जी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर का, सॉरी कैल्शियम का आ गया, उसकी जगह आपने लिख देना है सल्फर। सो दीज आर द एलिमेंट विच आर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल स्टेट इन अवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में ज्यादातर मॉलिक्यूल स्टेट में ये पांच छह एलिमेंट पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एटम्स मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसे दो तरह से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, एक नेचर, दूसरा वेटेज, वेट की बुनियाद। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचर, जो नेचर है यहां से मुराद जो डेफिनेशन में हमने आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया वो है, ठीक है, नेचर में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया वो है। तो दो तरह के नेचर के लिए ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गेनिक होते हैं हमारी बॉडी में मोस्टली प्रेजेंट है, ज्यादातर हमारी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी है, ठीक है, स्केलेटन मसल की बात कर लो ऑर्गेनिक है, ठीक है जी, हमारे नर्व न्यूरॉन की बात कर लो ऑर्गेनिक है, सेल के अंदर ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक है, ठीक है जी, हाँ, ज्यादातर हमारी बॉडी में जो तकरीबन 80% हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें होती हैं वाटर को छोड़ के,
वो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है। जैसा कि लिपिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन 80% है, कार्बोहाइड्रेट 15% है, ठीक है। वाटर सिर्फ एक बहुत इनऑर्गेनिक है, ठीक है जी। लेकिन वो भी कौन सी टाइप में आ जाता है, केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं, उसे पोलर कोवलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में लाया जाता है, ठीक है। तो और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये लेस कॉमन है, कभी कभी हमारी बॉडी में मिलते हैं। अच्छा, अब नेचर के ऐसे जो ऑर्गेनिक हैं इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है कोएंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो डाइट हमारी बॉडी या हमारे मसल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मूव टू इनऑर्गेनिक, सो द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन सच एज साल्ट, टेबल साल्ट हम लोग खाते हैं, ठीक है। आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी, ये चीजें इनऑर्गेनिक। Now move to second type in a class of classification of molecules that is known as macro and micro on the base of body weight. जो दूसरी टाइप है आप उसे body weight के लिए ऐसे classify करते हो, जैसे कि micro और macro element, जिस तरह आपने ninth में पढ़ा था वही है। जो micro element होते हैं इनका molecular mass low होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। For example hydrogen ले लेते हैं, H2 सिर्फ दो है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च बहुत ज्यादा, ठीक है। देन माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है जी, स्मॉल इन साइज होते हैं। नाम माइक्रो का मतलब ही स्मॉल है, जबकि मैक्रो के होते हैं दे आर लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इनका साइज काफी बड़ा होता है। अच्छा जी, एग्जाम्पल पे आते हैं, जो माइक्रो एग्जाम्पल है इसमें वाटर आ जाता है, पानी, ठीक है जी, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, इट इज अ वन मॉलिक्यूल एंड माइक्रो। अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं, फैटी एसिड है, तो ये सारे के सारे दीज आर माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यही जुड़ते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोस्टेटिक बॉन्ड, तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। फैटी एसिड जुड़ता है तो लिपिड्स बनती है, अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है। और जब कैटाबॉलिज्म के दौरान यही चीजें आप खुराक में लेते हो वो टूटती हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं जो हमारी बॉडी यूज करती है दोबारा से मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां तक हमारा मॉलिक्यूल लेवल खत्म होता है, ठीक है। देन आखिरी जो हमारा आज के टॉपिक का लेवल है, दीज आर ऑर्गेनली लेवल, ठीक है जी, ऑर्गेनली लेवल। अब ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अब मैं वहां पर भी एटम में भी सब एटम टॉपिक की बात की थी तो वो मैंने जगह खाली छोड़ी थी ताकि दोनों को इकट्ठे समझाना था, ठीक है। क्या जहां पर भी लफ्ज़ सब के बाद कुछ चीज आती है इसका मतलब है वो उससे भी छोटा है, तो पहले वो क्लियर करते हैं, सब एटॉमिक एटम से भी छोटा। डाल्टन की थ्योरी जब आई थी तब तक यही समझाया जाता था कि एटम टूट नहीं सकता, लेकिन बाद में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले चैटर्न एक्सपेरिमेंट किया सर गोल्ड स्टाइन ने किया तो उन्होंने बताया था एटम भी थोड़ा जा सकता है उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो सब एटॉमिक क्या थी एटम जिन चीजों से मिलकर बनता है वो छोटी छोटी चीजें जो एटम बनाती हैं द स्मॉलेस्ट थिंग विच आर ऑल्सो स्मॉल इन एटम दैन कंबाइंड फॉर्म एटम उसे आप लोग कहते हैं सब एटॉमिक इसमें क्या आते हैं प्रोटोन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हैविंग न्यूट्रॉन चार्ज विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड न्यूक्लियॉन्स ठीक है जी। देयर आर हंड्रेड्स एंड मोर सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन एटम। 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे जर्रात हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़कर, उन्हें आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जैसे आपको वहां पे समझ आ गई होगी कि एटम से छोटा है, इसी तरह सब सेलुलर वो स्ट्रक्चर जो सेल से भी छोटा है, ठीक है, हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल। और सेल के अंदर, अगेन रिपीट करता हूं, सेल के अंदर खास काम करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है, उससे हम लोग कहते हैं जी ऑर्गेनली। एग्जांपल क्या जी, राइबोसोम्स, ठीक है जी, प्रोटीन बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है। अच्छा जी, कोई और एलिमेंट की बात करते हैं, गॉल्जी ऑपरेटर्स सेक्रीशन करवाते हैं, लाइसोसोम ये डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गेनली हैं, अब सेल के अंदर जब ऑर्गेनली होंगे तो इनकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट लाइन है, जब अगर आप ऑर्गेनली लेवल शॉर्ट क्वेश्चन में
लॉन्ग में लिख रहे हो तो इसको अंडरलाइन या बोल्ड लाजमी कीजिएगा। क्या एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनली है तो उन्होंने अपना अपना एक खास काम संभाल लिया, ठीक है। राइबोसोम ने कहा कि मैं प्रोटीन बनाऊंगा बाकी काम नहीं करूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा कि मैं एनर्जी बनवाऊंगी बाकी काम नहीं करूंगी। गॉल्जी अपैरेटस ने कहा मैं सेक्रीशन करवा दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लाइसोसोम ने कहा मैं डाइजेशन करवाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो इस तरह क्या होता है, काम की तकसीम हो जाती है, एक ही चीज के ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। जिस तरह आप घर बनाते हो तो एक ही इंसान ही होता है जो मसाला या सीमेंट और रेत को मिक्स कर रहा होता है, एक ही इंसान ही होता है जो ईंटें भी लेके जा रहा है, एक ही इंसान नहीं होता जो कर रहा होता है। बल्कि क्या होता है, मुख्तलिफ लोग, मजदूर जिन्हें कहा जाता है लेबर, वो आ जाते हैं। कुछ ईंटें ला रहा होता है, कुछ मसाला सीमेंट बना रहा होता है, और एक जिसे आप मिस्त्री करा देते वो कर रहा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, काम जो अगर अकेला बंदा करता तो काफी वक्त लगता है, वो डिवीजन करने से, बंदों में काम तकसीम करने से जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब यहां तक बात करने के बाद हम लोग चलते हैं जी अगले पॉइंट पे। ऑर्गेनेल्स जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो सेल बनता है, ठीक है जी। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ठीक है जी। सेल थ्योरी के मुताबिक एक छोटा सा चीज जो जिंदा जानदारों को बनाती है उसे सेल कहा जाता है, और एक सेल के अंदर यही ऑर्गेनेल्स होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे जगह फिल हो चुकी है और मैं टाइम कम होने की वजह से वैसे ही बताते हैं। ऑर्गेनेल्स के नंबर की बुनियाद पे सेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ नहीं होता। उनके अंदर राइबोसोम हो सकते हैं और कुछ वैक्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे जानदारों को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जैसा कि बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसका न्यूक्लियस भी नहीं होता, उसका मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्सन मौजूद होता है, अच्छा। और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ये सारी ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, ग्लायोसोम वगैरह मौजूद होते हैं, उन्हें आप यूकैरियोटिक सेल कहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल, यहां तक क्लियर हो गया होगा, अच्छा। अब उसके बाद आपकी जो ऑर्गेनेल सेल लेवल पे, इसके में भी हम लोग खत्म कर रहे हैं, एक और टाइप के सेल्स की बात की गई है, और ऑन नंबर्स, ठीक है, नंबर की बुनियाद पे, वो है यूनिसेलुलर सेल। ऐसे सेल जिसमें पूरे का पूरा जानदार एक सेल पे मुश्तमल है, वो एक ही सेल खुराक लेता देता मूवमेंट करता सारा कुछ करता, उसके अंदर सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं है। जैसा कि हमारे अंदर सांस का अलग सिस्टम है, सांस वाला सिस्टम खुराक नहीं लेगा, खुराक वाला सिस्टम रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक सेल ही सारा कुछ करता है, वही रिप्रोडक्शन, वही डाइजेशन, वही एक्सक्रीशन, सारा कुछ करता है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल बैक्टीरिया है, अमीबा है, प्रोटोजोआ ले लें आप लोग उसमें, ठीक है जी, क्लैडोमोनस ले लें, ये सारे कुछ आते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर सेल जो होते हैं, ठीक है जी, ऐसे सेल हैं जिनमें सेल्स मिलकर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वगैरह बना देते हैं। ऐसे जानदारों को फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आप मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। उनके अंदर सेल्स मिलके, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं जो मिलके डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे होते हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। इंसान इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। अगर आप और भी जितने भी जानदार आपको डेली लाइफ में नजर आते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर है। क्यों, यूनिसेलुलर आपको नजर नहीं आएंगे, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दीज आर आवर लेक्चर ऑफ टूडे, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।